नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। बीते दिनों 19 अक्टूबर को बनबसा व घाघरा बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने जनपद सीतापुर की लहरपुर बिस्वा महमूदाबाद तहसीलों के अंतर्गत आने वाले हजारों गाँव में पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। वहीं इस बाढ़ को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसके बावजूद भी पानी के तेज बहाव ने कई लोगों की जानें ले ली। बाढ़ के इस पानी से लाखों हेक्टेयर तैयार धान व केले की फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें, जल भराव के कारण सभी के कामकाज ठप हो गए और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों को भूख मिटाने के लिए एक वक्त की रोटी तक मैसर नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाने में शासन प्रशासन के अलावा मानवता के धर्म को निभाने के लिए क्षेत्र के समाज सेवियों ने दिल खोल के बाढ़ से प्रभावित लोगों को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में गांजर के भविष्य को संवारने का मन में सपना संजोए बैठे राजनीति के मैदान में उतरने वाले सपा नेता ज्ञानेंद्र वर्मा 148 विधानसभा लहरपुर सीतापुर ने बाढ़ से प्रभावित ब्लॉक सकरण के ग्राम मुकल्ली अमई चीतपुर चिल्हा उमरा समेत कई गाँव में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। आपके द्वारा राहत सामग्री बांटी गई है बाढ़ इलाकों में, वो कितने गांव ऐसे हैं जहां पर आपने राहत सामग्री पहुंचाई है? भेटा ब्लॉक और सकरण ब्लॉक के जो भेटा ब्लॉक के ज़्यादातर गांव बाढ़ प्रभावित थे, तो हमने कोशिश की है ज़्यादातर जगह पहुंचा जाए और सकरण ब्लॉक में भी मैं बहुत जगह पहुंचा हूँ और जो गाँव रह गए हैं उसमें आगे कल भी परसों तक अभियान चलाने का कि सभी जगह पहुँचा जाए और हर एक की मदद की जाए। और ये मदद मैंने कोई राजनीतिक तौर पर नहीं की, ये मदद मैंने सिर्फ मानवता और इंसानियत की मिसाल और लोगों के सुख दुख को बांटने के लिए की है और ये पहल जारी रहेगी जब तक कि हमको किसी की जरूरत महसूस होगी तो उसके साथ जरूर खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ मदद करने का काम करेंगे और लोगों के सुख और दुख बांटने का काम। अभी किन किन गाँव में आपको जाना है और वहाँ पर बसंतापुर से लगा करके नन्ही बच्चता बसंतापुर मुगलापुर और राय मरोड़ थाना मरोड़ तम्बोड़ देहात इन गांवों में भी पहुंचना है, नहीं पहुंचना है चतानपुर पहुंचना है, सब गांवों में कल अभियान है, कल मैं जाऊंगा। और हमारे चैनल के माध्यम से बाढ़ से प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कोई संदेश? मेरा यही संदेश है कि आप लोगों को अगर कोई मुसीबत आएगी हमारे लायक जो सेवा है मैं 24 घंटे निरंतर आपकी मदद करने के लिए आगे आऊँगा और आप हमें कहीं भी मेरी जरूरत आवश्यकता पड़े फोन भी कर सकते हैं, हमारे घर पर भी आ सकते हैं।